क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे मुझे? क्या किया मैंने? किया क्या है तूने? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बीवी के साथ तेरी बात कैसे हुई? क्या किया मैंने प्रज्ञा के साथ? उसके नाम मत ले। बस करो। मुंह से बात करो, हाथ से बात करना मुझे भी आता है। प्रज्ञा के पति हो इसीलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो बिना गलती के कोई मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, मैं तो उसकी बात तक नहीं सुनता हूँ। गलती की बात कर रहा है तू? गलत काम किया है तूने, जिसके लेकर मैं तेरी जान भी ले लूँ ना तो खून माफ होगा मुझे। देखो तुम गुस्से में, और गुस्से में तुम मेरा नहीं अपना नुकसान कर रहे हो। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि बात क्या है? मुझसे मत पूछो, अपने अंदर झांक कर देखो, तुझे तेरी घिनौनी हरकत और चकर दोनों दिखाई देगी। यू आर अ हिपोक्रेट, ढोंगी है तू। जब बात तेरी बहन की इज्जत पर आई तब तूने इतना बड़ा तमाशा किया, मेरी फैमिली मेरी रेपुटेशन को मीडिया के सामने उछाला, और जब बात किसी और के घर की बहू बेटी की आई तब तेरी शराफत आ गई। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बात हो गया, मैं चुप हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं छोटा हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? तुम्हारे बड़े हो जाने से मैं कोई छोटा नहीं हो जाता हूँ। मेरे ही मोहल्ले में आके तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, बिना किसी कसूर के तुम मुझे मार रहे हो। तुम पागल हो गए हो? किसी की बीवी के साथ नाजायज रिश्ता रखना कसूर नहीं होता। किसी की बीवी के साथ बेड पर लेटना कसूर नहीं होता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, और जो तुमने मेरी बीवी के साथ किया है। मैं प्रज्ञा के साथ क्या किया? मैंने कहा नाम मत ले उसका। ये शोर कैसे आ रहा है? ऐसे लगता है जैसे कोई झगड़ा हो रहा है। दादी मैं देख के आती हूँ। हाँ हाँ जा देख के। जीजू है। अभी और सुरेश का झगड़ा हो रहा है। अभी और सुरेश में झगड़ा? बुलबुल सरला कहाँ है? माँ जागरण गई है। ठीक है बुलबुल, तू जल्दी से माँ जागरण पे जा और सरला को वहीं रोक के रखना। ठीक है? ठीक है दादी। चल बुलबुल मेरे साथ चल, बाहर देखती क्या है। देखो ये सब बकवास, प्रज्ञा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं उसके बारे में कभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या सोचता है ना, ये मैं देख चुका हूँ और प्रूफ भी है मेरे पास, जो मैं तुझे तब दिखाऊंगा जब तू मेरे हाथों से बचेगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, कोई तुम्हारे कान भर रहा है। प्रज्ञा और सिर्फ अच्छे दोस्त है। तुम दोनों क्या हो ना, ये मैं देख चुका हूँ। देखो मैं मानता हूँ प्रज्ञा और मेरी शादी की बात चली थी और प्रज्ञा के दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग थी, लेकिन जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा तुमने? प्रज्ञा के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थे। हाँ थी फीलिंग्स, जैसी एक दोस्त की दूसरे दोस्त के लिए होती है, और वो प्यार नहीं था और प्रज्ञा को भी पता है, लेकिन इस वक्त तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। यकीन करो मेरा, तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। इसका मतलब कि तुम दोनों का शादी के पहले से चल रहा था। पता है एक दो बार मुझे फील भी हुआ था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने देखा वो सब कुछ सच था ना। इतना बड़ा धोखा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सिवाय धोखे के। बदला लिया है ना तूने, क्योंकि तेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला इसलिए तूने मेरी बीवी के साथ। अभी मैं दादी अब बीच में बताओ, मैं इसे चाट से मार दूंगा। किया क्या इसने? दादी मैं कह रहा हूँ अब बीच में बताओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बताओ तो सही मुझे, हुआ क्या है? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये लोगों के बीच में तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा इन दोनों ने मेरा बना कर रखा है। दोनों ने? दादी आप इसे समझाओ, इसे पता नहीं किसी ने क्या कह दिया जिसकी वजह से ये मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा है। इसे लगता है कि प्रज्ञा और मेरे बीच, ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि प्रज्ञा और मेरे बीच में नाजायज संबंध है। मुझे पूरा यकीन है कि तेरे चीज़ क्या कहा तूने?
मुझे यकीन है। हाँ दादी, ये दोनों शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलते थे। ऐसा नहीं है दादी। चुप कीजिए जीजू, सब क्या बोल रहे हो आप? अपनी पत्नी के खिलाफ इतना घिनौना, शर्म नहीं आती आपको? जब उसे करने में शर्म नहीं है तो मुझे बोलने में शर्म क्यों आएगी? उस जैसी लड़की को तो मैं, माइंड योर लैंग्वेज जीजू, मैं अपने दी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। क्यों? चुप कर बुलबुल। मैं पूछ रही हूँ ना, अभी मुझे ये बता कि प्रज्ञा ने ऐसा क्या किया जो उसके बारे में तू ऐसी घटिया बातें कर रहा है? अभी क्या नहीं किया दादी? मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर एक साथ